बारिश आ रही है अब, बारिश को आप तो और तेज करना है तो और सब्सक्राइब बढ़ाओ। बारिश देखो अपने आप तेज होगी, जादू जादू होगा। जो जो ये वीडियो देखे सब्सक्राइब करेगा उसके घर पे बारिश होगी। जिसको पानी की कमी लग रही है पहाड़ों में कहीं भी, अगर बारिश करवानी तो सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बस सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। जिंदगी हो तो ऐसी हो ना, तो जिंदा तो कमेंट में बता दो। नहीं जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो लगता है यहाँ किसी ने मिर्जापुर नहीं देखी। गुड्डू भैया बताएंगे हमारे मिर्जापुर देख क्या हो, फिर देखना। ये अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे तो एडवेंचर को थोड़ा और एडवेंचर कर देते हैं। ओ भाई चलो चलो, नहीं चला लाता है छोड़ दे, हम पीछे दुनिया की रीत है हमने, हम कौन सा डरते हैं। ये निशान दे रखा है यहाँ से, जानवरों होनी चाहिए फिर वो थोड़ा एडवेंचर में थोड़ा और मजा आता है। वो जहाँ हमें जाना है दोस्तों, वो जगह है, वो जगह पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर में जाना है दुनिया के दूसरी तरफ। हाँ जगह पे जा रहे हैं, पर यहाँ पे फैसिलिटी दी है, जीना बीना दे रखा है, देखो कितना मस्त जीना है। ये बर्फ की बोरियां जादू है ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों भाई नीचे का तुम देख ही रहे हो यार, कितना मतलब देख रहे हो ना, कितना मतलब ब्यूटीफुल है यार, ऐसा ग्रीन नेचर है ना, मजा ही आ जाए जीने का। और बाकी देखो एडवेंचर में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, अब चढ़ते हैं हम। ओहो तो भाई मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, हैं भाई ऐसे पहाड़ों में मजा ही आ जाता है। ओए 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 करने में दिक्कत होगी हैं, भाई बच गया भाई। तो भाई एडवेंचर एडवेंचर होता जा रहा है। ओहो अब अच्छा ये रास्ता घर का जाने का, यहाँ से ऊपर भाई अरवान जोर हो रहा है, अरवान आओ आ जाओ ये हुआ था पहले, उसे एक बैग ले जाता मुझसे ही रहता। Yeah.
यहाँ तो फोर थी कैंटीन पहाड़ों में कैंटीन का रास्ता भाई हमें मिली एक नई खोज तो हम इसी सच्चाई का पता लगाते हैं। ये यहाँ पे पहले जो राजा रहते थे उन्होंने यहाँ पत्थर को रखा था। भालू का हाथ लग रहा है। यही ना है, यही ना थे, यही ना था। इसकी पास में आई थी, गलती नहीं है यार। ओ भाई और अमेजिंग होने वाला है। ओ ओ ओ ओ यहाँ तो भाई गैस तुम्हें मेरे पीछे जगह दिखाई दे रही है। पहले ऐसे लोग तपस्या मतलब ऋषि मुनि होते हैं, जगह पे तपस्या करते थे। ये जो जगह दिखाई दे रही है ओ हो, अरे यहाँ पे कुछ है। ओ यहाँ तो गड्ढा है। ये जो पत्थर है यहाँ के महाराजा ने रखवाया था यहाँ चढ़ने। चलो इतना सुंदर दृश्य देखे कौन खुश नहीं होगा है भैया। ओ भाई ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओ अमेजिंग तुम्हारा मोबाइल, अरे मोबाइल तो पजामे में बचिया पजामा पजामे के अंदर जो होना था हो गया। बस चैन डाल दी इसके चैन वो गड्ढा है यहाँ पे उसमें होगी वो गई हो गई हो गई एक बज गया। तो भाई हम निकल चुके हैं मसूरी के लिए और हम मसूरी के पहाड़ों पे ऊपर जाते जा रहे हैं। ऊपर यहाँ बहुत ज्यादा
फिर भी हम ऊपर में ऊपर जाए जा रहे हैं, जो हमें अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। इतना रिस्क हम ले रहे हैं, थोड़ा रिस्क आप भी लो सब्सक्राइब करके, लाल बटन उसको दबाते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक 1 मिलियन ना हो जाए सब्सक्राइब करते जाओ करते जाओ। बिना सांस वाली जगह पे घूम रहे हैं, बारिश जीरो से नीचे कर दिया मैंने। मैं अच्छे से व्यू दिखाई देगा, ये मंदिर है, लाल मंदिर इसलिए होता है यहाँ पे, लाल 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 का कारण आप बताओ कमेंट में क्यों लाल होता है मंदिर। और बाकी देखो कैसे ऊपर जा रहे हो पहाड़ों से, बस थोड़ी सी दूरी, वो देखिए आसमान को छूने वाले हम, आप बस सब्सक्राइब करते जाओ चैनल, हम आपको दिखाएंगे आसमानों में कैसे। ये मंदिर, ये है मंदिर लाल, ये आसमान की ऊंचाइयों में महादेव मंदिर। इस मंदिर में भाई पैसे चढ़ाना अलाउड नहीं है, यहाँ भगवान की आस्था है बस, ना कोई पैसे वैसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख ही रहे हो, ये देखो बारिश बहुत तेज आ रही है, बट फिर भी हम रुक नहीं रहे हैं आपको दिखाने के लिए, हम ऊपर भी ऊपर जाते जाएंगे थोड़ा। चल तो रहे ना, ये लो वो यहाँ की गाय देखो, वो छोटी गाय होती है, वो क्यूट गाय होती है, इस गाय माता सनातन मेरे गाय माता कहा जाता है, क्योंकि गाय का जो दूध होता है ना वो हजारों बीमारी से मारता है, बट कुछ अनपढ़ लोग इस धरती पर आ गए हैं और वो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मेरी सबसे अपील होगी जैसे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको यहाँ से दूर भगाओ और अखंड भारत का निर्माण करवाओ। ये देखिए ये खा के मोटी हो जाती है, वो बाद में फिर हमें कहती है कि हमारा वजन कम कराओ। हाँ और फिर जिम ज्वाइन करती है, ये नहीं आटा पीछे चक्की पीछे, पहले के जमाने में, अरे मैं ये वाला कैमरा खोल रखा हूँ, पहले के जमाने में क्या होता था, औरतें चक्कियां पीसा करती थी। ओ वाओ देखिए हम आसमान में जाने ही वाले हैं, बस आप सब्सक्राइब करते जाओ, जितने सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे उतने हम आसमान में लेके चलते जाएंगे आपको, आसमान में लेके चलते जाएंगे। ये देखिए ये देखिए पहाड़ों की वादियों में एक तो गोल गोल बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, देखिए इतना रिस्क ले रहे हैं, जितना आप सब्सक्राइब बढ़ाएंगे सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे उतना रिस्क लेते जाएंगे। ये देखो पहाड़ों आसमान ये देखिए आसमान दिखाता हूँ मैं, ये देखिए बारिश आ रही है इसलिए मैं खिड़की नहीं खोल सकता, पर हल्के से खोलूंगा आपके लिए, पर आप 10 मिलियन सब्सक्राइब करा दोगे तो। ये देखो प्लान डन है, ऊपर आ गए हम बहुत ज्यादा। तो भाई हम पहाड़ों, ये देखो पहाड़ों में घूमे जा रहे हैं, तो पहाड़ों को टच कर रहे हैं यहाँ के आसमान, तो कुछ तो बात है यहाँ के आसमान में जो आपको मजबूर कर रही है वीडियो देखने पे और सब्सक्राइब का बटन दबाने पे। तो सब्सक्राइब का बटन तो आपको दबाना पड़ेगा, आपको आपकी माँ की कसम है, तो आप दबाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, तो बटन दबाते जाओ ताकि तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे टच वाले जो पहाड़ होते हैं ना आसमान से टच होते वो दिखाता जाए और तुम्हें इंटरटेनमेंट कराते जाए हम। बाकी यहाँ इतना हम गोल गोल घूम रहे हैं और बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं ना तुम आ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी बस्ती ही नहीं है, खर्चा लगता है यार। तो और यहाँ पे देखो अभी मैं दिखाता हूँ क्या है, यहाँ पे IMBA आया यहाँ पे, MBA इन शिपिंग, ओके ओके MBA इन शिपिंग है, MBA इन शिपिंग, तो IMBA जिस बंदे ने MBA, ये ओ भाई बारिश आ रही नहीं, मैं आपको देखो भाई बारिश आ रही है, अब बारिश को आपको और तेज करना है तो और सब्सक्राइब बढ़ाओ, बारिश देखो अपने आप तेज होगी, जादू होगा, जो ये वीडियो देखे सब्सक्राइब करेगा उसके घर पे बारिश होगी, जिसको पानी की कमी लग रही है पहाड़ों में कहीं भी अगर बारिश करवानी तो सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ बस, सब्सक्राइब। जिंदगी हो तो ऐसी हो ना, तो जिंदा तो कमेंट में बता दो, नहीं जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो लगता है यहाँ किसी ने मिर्जापुर नहीं देखी, गुड्डू भैया बताएंगे हमारे मिर्जापुर देख क्या हो फिर देखना। भाई मेरे गांव का बंदा था, मैं फोन में बात कर रहा था, सीट बेल्ट लगा रखा,
ज्यादा बहस करूंगा तो रोज के वो बोला आपकी शर्म करनी, बोला तो मैं तो पांच चार की शर्म ऐसे होती है। हम जयपुर मनी मंदिर से क्या बोला था सर, कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना, रेड लाइट पार कर दी। चलिए तो मैं तो सीट बेल्ट ही नहीं है, उसने तो हमने रेड लाइट ही पार कर दी थी अगले की। अगले ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मेरा भाई फौज में है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, तो क्या हुआ और कि नहीं जाना, पता है क्या करेंगे ना, ये लोकल चला ना दिया, ओरिजिनल चला नहीं था ये। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मसूरी, और मसूरी में माहौल कर दिया हमने गरम, सिस्टम मिला दे सिस्टम, वो देखो भाई। तो तुम्हारा भाई तो नहाएगा नहीं, दो बार नहा चुका हूँ मैं, एक गुच्चू पानी और हरिद्वार में नहा चुका हूँ, और शाम से पाँच बज चुके हैं, नहा रहे हैं मतलब से खराब हो जाएगी, भाई लोग नहा रहे हैं, मैं बस दिखा देता हूँ। ओ भाई बहुत ठंडा पानी है यार, ये देखो पूरा ऊपर तक है, जितना ऊपर जाते जाओगे मतलब ऊपर भी ठंडा है, उधर देखोगे ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसे हम इस वाले पे ना रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, टाइम हो गया, और उसके हमें वापस जाना है, फिर वापस जाके फिर हमें हरिद्वार जाना है, वहाँ का उसमें दिखाऊंगा क्या करने जाना है वहाँ पे। ओ ऐसी वीडियो भाई देखनी हो ना, मतलब जिंदगी जो हमारे चैनल का नाम है उससे रिलेटेड वीडियो बनती है इस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जितने भी सब्सक्राइब करोगे तो मैं और जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो लाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि रेगुलर वीडियो आए, पर रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती, बात ये तो तो भाई ये, अरे थोड़ा आगे करना गाड़ी, आगे करो हल्की सी, ये देखो पहाड़, अरे आगे भाई। गाइस ये नज़ारा देखो यार, पहाड़ों से मिलाप हुआ पर्वतों का, और इसी बात पे करो सब्सक्राइब, देख रहा बिल्कुल आसमान टच हो रखे इनसे, भाई। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी देखी नहीं होगी, गंदी बात होती है, नहीं नहीं नहीं, इस चीज के लिए तो आपको चैनल पहले सब्सक्राइब करना होगा, फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ये यहाँ का ये देखो आसमान, भाई क्या नजारा है यार, ऐसा नजारा आपने कभी देखा ही नहीं होगा, खाली मेरी वीडियो मिलेगा नजारा, चैनल छान डालो सारे, कहीं मिलेगा ही नहीं, क्यों उनसे मैं सही कह रहा हूँ ना। भाई पहाड़ों की वादियों से गुजरते हुए एक नज़ारा और दिखाना चाहेंगे आपको, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है।